घर और किचन के काम हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन कामों को करने के लिए अगर कुछ टिप्स यूज कर ले तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, खुद के पाते हैं लिए खुद सब में। सारे बचत भी कर पाते हैं। तो इसी तरह के टिप्स लेकर आ चुके हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज का पहला टिप्स है इस तरह के बोतल को लेकर। तो देखिए, इस बोतल को मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरीके से सेंटर से कट करना है। तो मैंने चाकू गर्म करके इसे इस तरीके से काट लेती हूँ। इसका जो ऊपर वाला भाग है बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चाकू गर्म करके इसे काट लेती हूँ। आप चाहे तो इसे सीजर से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं ना कट कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं कट करना है, बस इतना ही हमें कट करना है, इतना तक कट करके रहने देंगे। इसी तरीके से मैं ना दोनों साइड से काट ली हूँ। अब हम इसका यूज करेंगे। देखिए, जितने भी हमारे घर में औजार होते हैं इस तरह के, प्लास पेचकस, इसे अगर हम ऐसे ही रख दे तो इधर उधर बहुत ज्यादा जगह लेती, बिखरा पड़ा रहता है। तो इसे ना मैं इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, और जब हम कोई भी सामान ढूंढ रहे तो हमें एक साथ सारे सामान मिल जाएंगे। और इसे ना रखना और निकालना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से मैं सारे जितने भी औजार है इसको ना इस तरीके से अंदर डाल के रख देती हूँ। मेरे ये जो ज्यादा रिंग चुगारा है, तो इसीलिए मैंने बड़े बोतल का इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास थोड़े से हैं रिंग चुगारा तो छोटे बोतल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक साथ सारे औजार यहाँ पे आ गए हैं। तो इसको ना आप बंद करके कहीं पे रख दीजिए, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो एक साथ सारे मिल जाएंगे, और कहीं पे भी एक कोने में पड़ा रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा घर भी साफ सुथरा रहेगा। लगी मुझे तो जरूर बताइएगा। अगली टिप्स है यहाँ पे चाकू को लेकर। तो ये जो चाकू होते हैं, अगर हम इसे ना किचन में बार बार यूज होने की वजह से इसका शार्प ना खत्म हो जाती है। तो देखिए, हमें इस तरह से क्लॉथ क्लिप लेनी है, जो कपड़ा सुखाने वाला होता है वही वाली ली हूँ। अब इसमें ना डबल सेलो टेप इस तरीके से चिपका देना है। तो मैं ना दोनों साइड में इसी तरीके से चिपकाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे डबल सेलो टेप चिपका दी। अब हमें लेना है ये जो सैंड पेपर। तो इस तरीके का सैंड पेपर हमें किसी भी हार्डवेयर के दुकान पे मिल जाता है, हमें ले लेना है। अब उसको ना कट कर लेती हूँ, पतले पतला पट्टी इस तरीके से निकाल लेना है। जितने भी आपके जो क्लॉथ क्लिप की लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से ले लीजिए, और उसे ना कट करके इसे जो जहाँ पे मैंने डबल सेलो टेप लगाई थी उसी के ऊपर चिपकाना है। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरीके से चिपका दूंगी। तो देखिए, हमारे दोनों साइड से चिपका के और कितना सुंदर प्यारा सा एक टूल्स बन के रेडी हो गया है। तो देखिए, जैसे हम कपड़ा में इस चिमटे को लगाते हैं, सेम उसी तरीके से चाकू में लगाना है, और इसके ऊपर इस तरीके से रफ करना है। इससे क्या होगा कि इसका जितना भी धार होगा बहुत ही अच्छे से ना तेज हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक बार बना के रख लीजिए, और जब भी आपके चाकू का धार खत्म हो तो इस तरीके से आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, सिर्फ सैंड पेपर खरीद के रख लीजिए और एक टूल्स बना लीजिए और बार बार इसे इस्तेमाल तो देखिए, कीजिए। अगली टिप्स है भिंडी को लेकर। तो हम सब महिला जानते हैं कि भिंडी, अगर एक एक भिंडी को काटने बैठे तो काफी ज्यादा समय लग जाता है इस तरीके से काटने में। तो हमें ऐसे भिंडी को नहीं काटना है, मैं आपको बताती हूँ सबसे आसान और इजी तरीका। हमें लेना है स्वेटर बुनने वाली, इस तरीके का जो सिलाई आती है उसे लेना है, और इसमें से एक सिलाई ले लेना है, और इस भिंडी को एक एक करके इस सिलाई में डालते जाना है इस तरीके से। तो आप चाहे तो भिंडी से पूरे सिलाई को भर सकती है, मैंने यहाँ पे 5 ही रखी हूँ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस भिंडी को इस तरीके से रख के और काटते जाना है। आप चाहे तो पूरे सिलाई में भर दीजिए और एक साथ सारे भिंडी को काट लीजिए। इसे ना बहुत ही आसान और इजी हो जाता है, और एक साथ में सारे भिंडी कट भी हो जाते हैं, हमारे समय भी बच जाता है और मेहनत भी कम लगता है। तो इस तरीके से आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ही यूजफुल लगेगा। तो हम ना अगर
कुछ टिप्स यूज करके काम करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता एक है। बार जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा अगली टिप से इस बिंदी के पत्ते को लेकर। तो ये जो बिंदी का पत्ता होता है ना, खाली होने के बाद इसे हम फेंक देते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं। चलिए इसका यूज बताते हैं। तो हमें क्या करना है, ये दोनों साइड से इस तरीके से खुला होता है, तो एक साइड से ना चिपका देना है। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर सेलो टेप ली हूँ, इससे ना इस तरीके से इसके ऊपर एक साइड में इस तरीके से चिपका देना है। देखिए इस तरीके से मैं चिपका देती हूँ और ये एक्स्ट्रा जो है दोनों साइड से काट लूंगी। तो देखिए इसे मैं ना काट लेती हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास कार्ड होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी कार्ड हो उसे लेना है। अगर इस तरीके से हम पर्स में रखते हैं तो बहुत ज्यादा इधर उधर फैला पड़ा रहता है, ढूंढने पर जल्दी मिलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो बिंदी के पता है इसमें ना आप डाल के रख दीजिए और बहुत ही आसानी से इसके अंदर आ जाता है। और जितने भी हमारे घर में मेंबर होते हैं उन सब का अलग अलग कार्ड होता है, तो आप ना इस तरीके से अलग अलग बिंदी के पत्ते को इस तरीके से बना के रखिए और अलग अलग इस तरीके से एक मेंबर को अलग अलग सजा के इस तरीके से रख दीजिए। इसे आप अगर कहीं भी रखेंगे तो सारे मिक्स नहीं होगा, एक जगह मिल जाएंगे। अगर आप पर्स में भी रखेंगे तो इधर उधर फैलेगा रोटी नहीं। को लेकर तो देखिए फ्रेंड, ये जो रोटी है रात की बच गई थी, तो इस रोटी को अगर सुबह में कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, चावल तो हर किसी के घर में डेली ही बनता है, हमें ना इस तरीके से चावल जब बनाते हैं काफी समय तक गर्म रहता है, तो उसमें ना आप डाल दीजिए और ढक दीजिए, ढक के रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से गर्म और सॉफ्ट मुलायम हो जाती में है। सबसे सबसे ज्यादा कौन सा टिप्स अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।